Hello dear students, hope you all are well. So students, we have completed till chapter 5th. Now today we are going to start with a new chapter, that is chapter 6, the keyboard. See students, कॉपी में लिखने की जरूरत क्या क्या पड़ती है. कॉपी में अगर हमें लिखना होता है तो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केच पेन, मैनी मोर थिंग्स. वैसे कंप्यूटर में लिखने के लिए एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ती है, वो होता है द कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसमें बहुत सारी कीज होती हैं. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, वर्ड, कैरेक्टर्स, स्पेशल कीज. सारी कीज को लेके 104 कीज होती है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में. जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के पार्ट बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज होती हैं. सो सबसे स्टैंडर्ड कंपनी होती है क्वार्टी कीबोर्ड की. ठीक, जिस कंप्यूटर कीबोर्ड में स्टार्टिंग अल्फाबेट की के क्वार्टी लिखा होता है, उस वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है और उसमें 104 कीज होती हैं. गॉट इट? अल्फाबेट. अब हम देखेंगे कि एक कीबोर्ड में कितने टाइप्स के की होते हैं. ठीक, सो पहला है अल्फाबेट की. 26 अल्फाबेट कीज होते हैं. ये क्या हेल्प करती है? फॉर टाइपिंग वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ्स. If you want to write something, these alphabet keys are used. और ये alphabets की इतने properly set होती हैं, जिनको typing आती है उनकी fingers set होती हैं. जो लोग computer regular नहीं use करते हैं, like students at learning stage, computer ज़्यादा नहीं use करते हैं, उनको typing में बहुत ज़्यादा time लगता है. But those who are typists, those who are learned typists, उनकी टाइपिंग फास्ट होती है, क्योंकि जो पर्टिकुलर जो QWERTY कीबोर्ड की पर्टिकुलर अल्फाबेट सीरीज होती है, इस टाइप से डिजाइन की गई थी कि हमारी जो टाइपिंग है उसको फास्ट बनाती है. Got it? Now the second one is numbers की. नंबर्स की दो तरह के दो साइड्स में होते हैं. एक तो ऊपर, यहाँ अल्फाबेट कीज के जस्ट ऊपर एक नंबर्स की होते, एक साइड में, ऑन द राइट हैंड साइड में भी ऐसा ये न्यूमेरिक कीपैड दिया होता है. ठीक है, अल्फाबेट की, नंबर्स की हो गया. अब बारी आती है स्पेशल कीज की. स्पेशल कीज का नाम ही सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेशल काम के लिए. जैसे कि स्पेस बार की का काम क्या होता है? अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, लेटर्स और द नंबर्स, इट पुट स्पेस बिटवीन देम. चीज़ों के जो भी लिखा है उसके बीच में एक ब्लैंक स्पेस देना. एज राइटिंग, मतलब हम कॉपी में अगर लिख रहे होते हैं तो उसका मेथड क्या होता है? अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं अपनी कॉपी में तो उसका एक मेथड, प्री मेथड होता है कि गिव वन फिंगर स्पेस. उस कोई भी दो वर्ड्स के बीच में वन फिंगर स्पेस इज कंपल्सरी, क्योंकि उससे आपकी राइटिंग जो होती है बहुत फेयर दिखती है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है. इट्स ब्यूटिफाई द हैंड राइटिंग. ओके, सेकेंड वन इज कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की का यूज क्या होता है? फर्स्ट जो लेटर, फर्स्ट वर्ड जो होता है किसी भी लेटर का, वो कैपिटल होता है. मतलब एक सेंटेंस हम अगर लिख रहे हैं, राम इज अ बॉय, तो उसका राम जो होगा वो आर जो होगा वो कैपिटल होगा. तो ये कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये कैप्स लॉक की से होती है. कैप्स लॉक की जैसे ऑन करेंगे तो साइड में ग्रीन बटन दिया रहता है. कुछ कीबोर्ड्स में दिया रहता है, कुछ कीबोर्ड्स में नहीं दिया होता. तो वो कैप्स लॉक की जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो वो कैप्स लॉक ऑन हो जाता है. तो फिर जब हम टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा. फिर अगर हम स्मॉल लेटर टाइप करना है तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा. गॉट इट? थर्ड वन इज बैक स्पेस की. बैक स्पेस की क्या होता है? इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इट इरेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. लेफ्ट साइड से वो इरेज करना शुरू करता है. एरो ही बना हुआ है ऐसे, तो ये लेफ्ट साइड से इरेज करना शुरू करता है. शिफ्ट की क्या होता है? शिफ्ट की इज यूज टू टाइप द स्पेशल सिंबल्स और सम पंक्चुएशंस
punctuation mark present on the upper part of the key, like exclamation mark, shift plus this. ये दूसरे मतलब keys के साथ combined होते हैं, तो इनको combine करके shift और किसी punctuation mark को click, दोनों को combine करके अगर click करेंगे तो ये particular जो special mark है वो वहाँ पे type हो जाएगा. Enter key का use क्या होता है, जो भी cursor है, cursor mouse pointer, ठीक, कर्सर को माउस पॉइंटर भी बोलते हैं, जो माउस पॉइंटर जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए एंटर की का यूज होता है. ओके, इट इज यूज टू सेंड कमांड एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर मेमोरी. ये कमांड भी ओके बटन जैसे होते हैं ना हमारे मोबाइल में होम स्क्रीन या फिर ओके बटन होता है, वैसे ही एंटर की होता है. अगर हम कोई आइकन भी सेलेक्ट करते हैं तो हम कीबोर्ड की हेल्प से हम एंटर की भी कर सकते हैं. ओके, स्पेशल सिंबल की का यूज़ क्या होता है, सिंबल की कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स के साथ होते हैं, इनको हम अगर टाइप करना चाहते हैं तो इसका इसको हम हमेशा शिफ्ट के साथ यूज़ करके टाइप करेंगे, और ये हमेशा अपर पार्ट में होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कीज. ठीक है, ये की देख रहा है 1 2 3 4 0 तक लिखा है, ये नीचे लिखा है और ये ऊपर सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, लाइक एक्सप्लेनेशन मार्क, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, दिस ऑप्शन, दिस इज डिवीजन ऑप्शन, नाउ हियर एंड ऑप्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन, नाउ हियर द ब्रैकेट. तो ये सारे कीज शिफ्ट कीज के साथ जॉइंट होके यूज करेंगे. यहाँ पे होता है टैब की का यूज क्या होता है, सेवेंथ नंबर इज टैब की. टैब की इज अलाउ द कर्सर टू जंप 5 स्पेस फॉरवर्ड, 5 बार जंप कर जाता है टैब की. ठीक है, जो कर्सर होता है वो 5 बार जंप कर जाता है आगे. ठीक है, गॉट इट. नाउ द फंक्शंस की, फंक्शंस की जो होते हैं वो स्पेशल टास्क, नाम ही है फंक्शन की, मतलब स्पेशल टास्क के लिए बने होते हैं. ये टॉप मोस्ट कीबोर्ड पे प्रेजेंट होते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, till 12, और इसके डिफरेंट यूज होते हैं. ठीक है, नाउ वी विल गो विद द नेविगेशन की. नेविगेशन की में पहला आता है कर्सर कंट्रोल की. ये आपने देखा होगा कीबोर्ड में ये प्रेजेंट होता है. ये जो होता है कर्सर को ऊपर, अगर हम लिख रहे हैं तो ऊपर ले जाएगा. अगर मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स के पास और हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाता, तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे आ जाता तो हम F4 लिख देते, फिर उसके बाद डॉट डॉट लगाते. तो यहाँ पे ऊपर कैसे आएगा, ये ऊपर क्लिक किया, इस एरो को ऊपर क्लिक किया, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आ गया F1 के पास. ठीक, अब यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दिस की को, ये दिस वन, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे शिफ्ट करके हम यहाँ पे ले आ सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं. ठीक है, अब वापस हम नीचे प्रोग्राम्स के पास आना, तो फिर ये वाला बटन क्लिक कर देंगे. ठीक है, अब हम चाहते हैं हमारा कर्सर जो है यहाँ पे आ जाता है कीबोर्ड के पास, तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे पहले एरो को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F1 के पास, फिर उसके बाद ये वाला बटन क्लिक करेंगे तो ऐसे बैक करते हुए यहाँ पे कीबोर्ड के पास हमारा कर्सर आ जाएगा. गॉट इट. नाउ द होम, होम की का यूज क्या होता है, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन. लाइन के बिगनिंग में अगर कर्सर ले जाना तो होम ऑप्शन के लिए क्लिक कर देंगे. अगर हमें कर्सर को एंड ऑफ द लाइन पे ले आना है तो हमें एंड ऑप्शन का क्लिक करना होता है. ठीक है, मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप पे ले जाना होता है. ये तो बिगनिंग ऑफ द लाइन हो गया, ये एंड ऑफ द लाइन हो गया, अब टॉप पे ले जाना है डॉक्यूमेंट के, तो कंट्रोल प्लस ओ.
अगर एकदम बॉटम द डॉक्यूमेंट कर्सर ले जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, ठीक। पेज अप, अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा लिखती हैं, अब हमें चाहिए कि थोड़ा स्क्रीन ऊपर हमने क्या लिखा था कुछ चीज़ें छूट जाती जो हमें रिकॉल करना होता है, तो पेज अप ऑप्शन इज देयर। अगर हमें पेज डाउन करना है तो ये पेज डाउन का ऑप्शन है। अगर हमें कोई कैरेक्टर अपने राइट हैंड साइड से डिलीट करना है या फिर कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट करना है या राइट हैंड साइड से कैरेक्टर इरेज करना है और कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट करना है तो देन डिलीट ऑप्शन इज देयर, गॉट इट। इंसर्ट, इफ वी वांट टू इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, ठीक है। टर्न द इंसर्ट मोड ऑन और ऑफ, इसमें ऑप्शंस होते हैं। अगर हम ऑन किए तो हम कोई जहाँ पे कर्सर होता है वहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, अगर ऑफ कर देंगे तो द टेक्स्ट यू टाइप रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, वहाँ से जो भी कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। गॉट इट क्लास? सो क्लास, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ये नेविगेशन की जो था, ये कर्सर कहाँ कहाँ, मतलब कर्सर को अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको मूव कराना होता है, क्योंकि मेनली जो कीबोर्ड होता है उसका काम राइट अप के लिए, लिखने के लिए करते हैं, तो फिर नेविगेशन की में ये पता चलता है कि हम अगर कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो तो ये सारी शॉर्टकट कीज हैं जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम भाई अगर काम दूसरा तरीका तो ये भी है कि हम इसको माउस से भी कर सकते हैं, भाई टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है, माउस पे माउस पॉइंटर को वहाँ पे ले जाके क्लिक कर दिया, हमारा कर्सर वहाँ पे भी चला जाए। बट वी हैव टू लर्न टू डू द थिंग स्मार्टली, कोई भी चीज़ को स्मार्टली करना ज़्यादा बेटर होता है। तो ये सारे कीज ऑप्शंस हैं हमारे कीबोर्ड में जो जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। सो क्लास, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे अहेड।